रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। जो भी समुच्चय होगा उसे हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। जैसे कैपिटल लेटर में ए बी सी एक्स वाई जेड। जैसे मान लो मुझे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रिजेक्ट करना है, तो मान लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, कैपिटल ए है, तो ए को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट इनफिनिटी। तो ये हुआ हमारा क्या प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या होती है, इसको हम ऐसे मध्य सूत्र में करके समुच्चय। समुच्चय को तो हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड आदि। ठीक बेटा, यदि अब इसमें हम बताते हैं, यदि जो ए है स्मॉल ए जिसको हम अवयव कहते हैं समुच्चय का, यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है तो इसे हम कहते हैं ए एलिमेंट ए, अंग्रेजी में है एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है अवयव, ए एलिमेंट ए। ये जो साइन दिख रहा है आपको ये यूनानी प्रतीक है, यूनानी प्रतीक इप्सिलन है, क्या है इप्सिलन, इसे हम कहते हैं ए एलिमेंट ए, यानी स्मॉल ए जो है समुच्चय ए का अवयव है, यानी स्मॉल ए जो है कैपिटल लेटर ए का अवयव है। यदि स्मॉल ए जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो उसे हम कहते हैं स्मॉल ए एलिमेंट नहीं है कैपिटल ए का, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आ गई समुच्चय का निरूपण, हम लोग सीख गए समुच्चय किसे कहते हैं वो भी सीख गए। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं, एक होता है रोस्टर विधि, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर को ही हम सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, यानी समुच्चय निर्माण करने की दो विधियां होती हैं, एक होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। जो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है उसको ध्यान दीजिएगा, इस विधि में हम क्या करते हैं सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं तथा अवयवों को एक दूसरे से अर्धकामा लगाते हैं। जैसे मान लो आपने कहा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कुछ भी मान लो, मान लिया उसको किससे प्रदर्शित करते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लेटर से, मान लो बी से प्रदर्शित किया तो बी बराबर। अब मैंने बोला कि जो समुच्चय बी है वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, किसका पूर्ण संख्याओं का, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है 0 1 2 3 4, तो हम 0 लिखेंगे उसके में अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे, 0 अर्धविराम का चिन्ह, फिर 1 फिर अर्धविराम का चिन्ह, 2 अर्धविराम का चिन्ह, ऐसे डॉट डॉट करके, चूंकि पूर्ण संख्या क्या होती है अनंतक होती है, फिर ये मजरे कोष्ठक के अंदर उसको लिख देते हैं। यही आपका जो है सारणीबद्ध रूप है, क्या है सारणीबद्ध रूप, इसी को हम कहते हैं रोस्टर विधि, यही है समुच्चय को प्रदर्शित करने की रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। ध्यान रखिएगा अगर आपसे कह दे सम संख्याओं का समुच्चय तो सम संख्याओं के समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखिए या सम संख्याओं को रोस्टर विधि में लिखिए, तो हम क्या करेंगे सम संख्या को किसी एक कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर लो, मान लो आपने सी से प्रदर्शित किया तो सम संख्याओं को समुच्चय के अंदर लिखना है। सम संख्याएं क्या होती है 2 फिर अर्धविराम का चिन्ह लगाओ, 4 6 8, अब ऐसे अनंत तक होती है तो आप ऐसे बना देंगे। ये आपका कौन सा विधि है रोस्टर विधि यानी सारणीबद्ध विधि। क्लियर हो गया, ओके। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को हम सूचीबद्ध करते हैं तथा अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम चिन्ह द्वारा पृथक करते हैं यानी अलग करके लिखते हैं, उनको मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय आपने बोल दिया तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करें, मान लो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करें तो कैपिटल ए बराबर, अब आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं 5 A E I O U, मैं देखो अर्धविराम का चिन्ह